समस्याओं के समाधान है, करने का इरादा चाहिए। मित्रों, आप चाइना की तरफ देखिए, ये बात सही है कि पिछले 30-40 साल से एक बात की लगातार चर्चा चल रही है कि 21वीं सदी किसकी, तो लोग कहते हैं एशिया की, फिर कहते हैं 21वीं सदी किसकी, तो कोई कहता है चाइना की, कोई कहता है हिंदुस्तान की, और इसमें ज्यादा मतभेद नहीं है। अब पश्चिम के हाथ में कुछ रहने वाला नहीं है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। पूरब की तरफ झोंक है, ये सर्वसम्मति बन चुकी है। बात अटकी हुई है चाइना इंडिया, चाइना इंडिया। मित्रों, 21वीं सदी में सर्वोपरिता के दरवाजे पर आकर के खड़े हुए दो देश, एक का रोडमैप देखिए और दूसरे का रोडमैप देखिए, हमें पता चलेगा। मित्रों, 1978 चाइना ने तय किया कि हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे बल देना है, तो चाइना ने क्या किया, एक कमीशन बिठाया और उस देश की प्रायोरिटी तय की, कौन सी प्रमुख चीजें हैं जिस पर हमने बल देना है। एग्रीकल्चर को छांटा, एजुकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को छांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी को छांटा, सिक्योरिटी एंड डिफेंस को छांटा, चार पांच मुख्य बिंदुओं को उन्होंने छांटा, और फिर इसको पार करने के लिए पहली क्या जरूरत है, तो हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम को उस रिक्वायरमेंट की पूर्ति करने के लिए ढालना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, सारी एजुकेशन सिस्टम को उस गोल को अचीव करने के लिए उन्होंने डाइवर्ट किया, चैनलाइज किया, उसकी प्रायोरिटी चेंज की। मित्रों, आपको जानकर के हैरानी होगी,